हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएलसीसी एजुकेशनल ग्रुप। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएलसीसी ग्रुप पर। अगर आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए प्रतिदिन शाम 7 बजे हमारे चैनल साइंस से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक की परीक्षा में 40 ऑब्जेक्टिव में 40 सही हो तो हमारे चैनल से जल्द ही जुड़ जाएँ। वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो घंटी है उसे भी बजा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का सेट का क्वेश्चन 1। और दोस्तों, यह जो सेट आज का है हम लोग साइंस के बायोलॉजी के प्रथम चैप्टर अर्थात लेसन 1 के जैव प्रक्रम से देखेंगे। देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, उस चैप्टर से हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भी शेयर करें ताकि आप लोग के दोस्त भी इस क्लास का लाभ उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट का क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक रक्त बिंबाणु होता है, ऑप्शन सी। और याद रखेंगे रक्त बिंबाणु को प्लेटलेट भी कहते हैं या थ्रोम्बो भी कहते हैं। याद रखें रक्त बिंबाणु को प्लेटलेट भी कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछे कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, उसमें रक्त बिंबाणु ऑप्शन में नहीं रहे, इसके जगह पर आपको प्लेटलेट रहे तो यह सही आंसर होगा। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर था ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है पाचन क्रिया पूर्ण होती है। पाचन क्रिया पूर्ण होती है तो पाचन क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं। तो छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहेंगे, आंत्रस एवं सकस एंट्री कस कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, ऑप्शन डी, क्योंकि आपको ऑप्शन ए में आंत्रस है और ऑप्शन बी में सकस एंट्री कस है। और छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाले ग्रंथियों के स्राव को आंत्रस या सकस एंट्री कस कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन डी में ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। तो दोस्तों, एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है तो मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 होती है, याद रखेंगे 2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाद कलियां पाई जाती हैं। स्वाद कलियां पाई जाती हैं, कहां पाई जाती है, तो जीभ के ऊपरी सतह पर, याद रखेंगे स्वाद कलियां जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाती है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग प्रतिदिन शाम 7 बजे एक सेट देखेंगे साइंस से, तो इसलिए हमारे चैनल से जल्द जुड़ जाएं और अपने दोस्तों को भी बता दें। और यह जो सेट रहेगा बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न रहेंगे, इसलिए इस सेट को अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन 7 है, अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं, तो कार्डियक कहते हैं, याद रखेंगे कार्डियक, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, अमाशय के अग्रभाग को कार्डियक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है तो क्या कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण हैं। तो मुख्य लक्षण सजीव के क्या हो जाएंगे, तो याद रखेंगे श्वसन है जो सजीव के मुख्य लक्षण हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीरुमा रचना को क्या कहते हैं। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं, तो सीकम कहते हैं, याद रखेंगे सीकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न का सही आंसर था ऑप्शन ए। नेक्स्ट, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है, तो याद रखेंगे वह पीतरस की भी भूमिका होती है, अग्नाशय रस की भी भूमिका होती है और आंत्रस, ये सभी रस की भूमिका होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, क्योंकि छोटी आंत में जो भोजन के पाचन में ये सभी रस भूमिका निभाती है, पीतरस भी, अग्नाशय रस भी और आंत्रस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय में अधपचे भोजन के लेह की तरह स्वरूप को क्या कहते हैं। अमाशय में अधपचे भोजन के लेह की तरह स्वरूप को क्या कहते हैं, तो काइम कहते हैं, याद रखेंगे काइम, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, तो याद रखेंगे अमोनिया है जो एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो क्या क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखेंगे स्वपोषी पोषण के लिए ये सभी आवश्यक हैं। इसलिए इस प्रश्न का इनमें से जो ऑप्शन है डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये सभी आवश्यक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड का अवशोषण होता है, चाइल्ड का अवशोषण होता है तो क्या चीज में चाइल्ड का अवशोषण होता है, तो चाइल्ड का अवशोषण इलियम में होता है, याद रखेंगे इलियम में चाइल्ड का अवशोषण होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों हम लोग यह सेट बायोलॉजी के प्रथम चैप्टर जैव प्रक्रम से देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण और भी आए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को याद कर लें। और अगर चाहते हैं तो इस वीडियो का पीडीएफ तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाए, उस ग्रुप से आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशोषी अंग है, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशोषी अंग है। तो दोस्तों याद रखेंगे जो अपेंडिक्स है मनुष्य के आहार नाल की अवशोषी अंग होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपेंडिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत अस्थि क्षय कारण है, जो दांत का अस्थि क्षय होता है किसके कारण से होता है, तो दांत अस्थि क्षय का कारण क्या हो जाएगा, मीठी चीज का खाना भी हो सकता है, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण करना भी हो सकता है, दांतों की सफाई न करना, ये सभी कारण है दांत के अस्थि क्षय के, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को कहते हैं, याद रखेंगे डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को कहते हैं, तो इनामेल कहते हैं, याद रखेंगे इनामेल ही डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को कहते हैं, इनामेल, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामीशिया में भोजन का अंतग्रहण होता है, हाँ दोस्तों पैरामीशिया में भोजन का अंतग्रहण होता है तो किसके द्वारा होता है, तो कोशिका मुख द्वारा, याद रखेंगे पैरामीशिया में भोजन का अंतग्रहण कोशिका मुख द्वारा होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगर चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ आप पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए, उस ग्रुप से आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषी इकाई है, प्रकाश संश्लेषी इकाई है तो प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या हो जाएगा दोस्तों, तो क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषी इकाई क्लोरोफिल, सबसे छोटी इकाई क्लोरोफिल है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखेंगे प्रकाश संश्लेषी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषी इकाई इकाई तो क्या हो जाएगा क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद है तो क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, याद रखेंगे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से जो मुख्य उपोत्पाद है वह क्या है ऑक्सीजन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं, पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं, तो प्राणिसम कहते हैं, याद रखेंगे प्राणिसम पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को कहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी प्राणिसम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं, इस प्रश्न पर विचार करेंगे दोस्तों बढ़िया से, क्योंकि अंगक है एक प्रश्न में रहेंगे, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं उसका उत्तर कुछ और हो जाएंगे, यहाँ अंगक है इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं, तो वह हरित लवक हो जाएगा, याद रखेंगे हरित लवक, अगर अंग पूछे तो पत्ती हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, इस प्रश्न में कह रहा है अंगक, अंगक जब कहे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हरित लवक, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है, निम्नलिखित में से जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है, तो दोस्तों वह भित्तीय कोशिका हो जाएगी, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, भित्तीय कोशिका है जो जठर ग्रंथि की कोशिका में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो याद रखेंगे तीन जोड़े, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर यह सेट आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतग्रहण होता है, इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतग्रहण होता है, तो वह कूटपाद है, याद रखेंगे कूटपाद के द्वारा ही अमीबा में भोजन का अंतग्रहण होता है, इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है, पेप्टोन है जो पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में से किस रूप में तोड़ता है, तो पेप्टोन पेप्टाइड्स को एमिनो अम्ल में तोड़ता है, याद रखेंगे पेप्टोन है जो पेप्टाइड्स को एमिनो अम्ल में तोड़ता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं, तो कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं, तो वह जीव द्रव्य में, याद रखेंगे कोशिका के जीव द्रव्य में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है, तो वह निगल द्वार द्वारा, याद रखेंगे निगल द्वार द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा का मुख्य भोजन है,
तो दोस्तों अमीबा का मुख्य भोजन क्या हो जाएगा? तो अमीबा का मुख्य भोजन शैवाल के टुकड़े भी हैं, डायटम एवं एककोशिकीय जीव भी हैं, बैक्टीरिया भी हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी, क्योंकि अमीबा का मुख्य भोजन शैवाल के टुकड़े भी हो सकते हैं, डायटम एवं एककोशिकीय जीव भी हो सकते हैं और बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहणी भाग है, तो ग्रहणी किसका भाग है दोस्तों? तो ग्रहणी छोटी आँख का भाग है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों हम लोग जीव विज्ञान का सेट देख रहे हैं और आज महत्वपूर्ण साइंस के सेट का पार्ट वन देख रहे हैं। प्रतिदिन आपको इस चैनल पर 7 बजे एक सेट उपलब्ध रहेंगे साइंस के, इसलिए हमारे चैनल से जुड़ने के लिए मत भूलेंगे। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वह विधि जिनमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो वह पोषण कहलाता है, याद रखेंगे, वह विधि पोषण कहलाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? जीवन की उपापचयी क्रियाओं के लिए, याद रखेंगे इस प्रश्न में उपापचयी है, तो जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? तो याद रखेंगे निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति भी, शरीर की वृद्धि भी, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत। इसलिए जीवन की जो उपापचयी क्रियाएं के संचालन इसके लिए आवश्यक है, याद रखेंगे कौन कौन आवश्यक हो जाएंगे? तो निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए, ये सभी क्रियाओं के लिए जीवन की उपापचयी क्रियाओं का संचालन होना आवश्यक है। तो आज हम लोग 33 प्रश्न देखें जो जीव विज्ञान के जय प्रोग्राम चैप्टर से था। अगर ये सभी प्रश्न आप देखे होंगे तो आशा करते हूँ कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में आपसे ये सभी प्रश्न आने के बाद गलत नहीं होंगे। तो अगर इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ नेक्स्ट डे शाम के 7 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।